आरएसएस नेता इंद्रेश ने विभाजन के लिए ठहराया गांधी जी को जिम्मेदार, कहा अगर नेहरू और जिन्ना को नहीं चुनते सपना सहयोगी तो फिर नहीं होता बंटवारा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी का बयान, मैं नहीं मानती कि हमें आजादी बिना खड़क और ढाल के मिली। आजादी के 75 साल पर तिरंगे को देश कर रहा है सलाम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया झंडा, अमित शाह योगी ने मेगा आयोजन में शिरकत की। दिल्ली में बीजेपी आपकी जुबानी जंग की रफ्तार हुई थी, इस पात्रा ने मोहल्ला क्लिनिक को हो हल्ला क्लिनिक कहा तो संजय सिंह बोले ऐसी सोच शर्मनाक। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लखनऊ में विरोध जारी, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने की एक मॉल में घुसने की कोशिश, हिरासत में कई लोग।